स्टूडेंट्स यू मोस्ट वेलकम। हम इस चैनल पर आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पहले हम लोग सारे बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें पहले न्यू मजबूत करना पड़ेगी। मैथ्स को सीखने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेंगे। हम लगभग 40 से 50 वीडियो बेसिक क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, जहाँ पर हमें मैथ्स के सोल्व करने के तरीके पता चलेंगे। स्मार्ट तरीके हम देखेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से हम मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे भिन्न, जिसको सरल करने के तरीके को समझेंगे। आज हम भिन्न देखेंगे, जहाँ पर हम सरल करने के तरीके देखेंगे। और इस सरलीकरण में हम यहाँ पर ये भाग, गुणा, जोड़ और घटाव के भिन्नों को सरल करने के तरीके को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 2/3 भाग 3/8 को सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो, भाग कभी भी सोल्व नहीं होता। इस भाग को सोल्व करने के लिए इस भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करना पड़ता है। गुणा लगाया, अब देखो ये जो 3/8 लिखा है, इस भाग के चिन्ह को हमने गुणा में चेंज किया तो इस चिन्ह के बाद जो भी संख्या है वो पलट जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है 3/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3। इस प्रकार से बस इसे ही सोल्व कर लो। यहाँ पर देखो, अगर कोई संख्या कट रही है एक दूसरे से तो काट सकते हैं। ध्यान रहे, संख्याएं अंश बटे हर से ही कटेगी। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो अंश से हर की संख्या या तो इस तरह से काट सकते हैं अगर कटने वाली होगी, या फिर हम इस तरह से भी काट सकते हैं अगर कोई संख्या कटने वाली है। यहाँ पर कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, इसलिए अंश में अंश का गुणा होगा और हर में हर का गुणा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8/2 मतलब 2/8 बटे 3/3। आंसर क्या आ जाएगा, 16/9। 16/9 इट इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 2/3 × 3/8। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कोई संख्या अगर कट रही है अंश बटे हर से तो काट सकते हैं। गुणा का साइन है, इसलिए हम ऐसी भी कोई भी संख्या काट सकते हैं अगर कोई कटने वाली संख्या है। अगर कोई संख्या नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, 2/3 और गुणा का साइन लगाया, 3/8 लिखा। बस इसी को साथ में लिख दो, 2/3। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/8। और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 3 × 6/8 = 24। 6/24 इट इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसको भी समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2/3 + 3/8 जोड़ में है, तो हमें इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है 2/3 × 3/8। अब यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर हर अलग अलग है तो इस तरह से जुड़ेगा जैसे हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों हर अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। या तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एक प्रोसेस ये है, लेकिन ये एक इजी प्रोसेस है। 3/8 एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पर 3/8 है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर 8 का गुणा करते हैं तभी जाकर यहाँ हर में 8/3 = 24 बनेगा। जब हर में 24 बनाया हमने 8 का गुणा करके, तो अंश में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/8 प्लस सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर 8 हर में अवेलेबल है, हमारे पास 8/3 बनाना है हमें, तो 3 का गुणा ऊपर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने हर में यहाँ पर 8/3 बनाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/3। बस इसी को सोल्व करना है। इसका आगे क्या हो जाएगा आंसर, 8/16 + 3/9 बटे में क्या हो जाएगा, 8/24। और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 16 + 9 = 25 / 24 इट इज़ द राइट आंसर। माइनस में भी यही प्रोसेस रहेगी। देखो यहाँ पर लिखा है 2/3 − 3/8। पहले तो ये चेक कर लो कि ये संख्या अंश बटे हर में तो अपने आप में तो नहीं कट रही है, तो हमें आगे और सरल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हर अलग अलग है,
तो हमको वही प्रोसेस करना है, पहले दोनों का लघुत्तम ले लो, या तो आप 24 लिख दो या फिर 8 × 3 लिख दो। यहाँ पर ज़्यादा फायदा है क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि हर में यहाँ पर किस संख्या की कमी है। अब देखो यहाँ पर 8 की कमी है, तो हर को तो हमने 8 से गुणा कर दिया, तो अंश में भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 8, इसका काम हो गया माइनस वैसा का वैसा 3 लिखा। अब देखो 3/8 में हमें हर में 8 तो मिला हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस भिन्न में, इस भिन्न के हर में हमने 3 का गुणा करा, तो अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 का गुणा करा तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 8 × 16 माइनस 9 बटे में 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और इस प्रकार से 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, 7/24 इट इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार से हम भिन्नों को सरल कर सकते हैं। अभी तक हमने भाग जिसको गुणा में बदल कर सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में जब हर अलग अलग होते हैं तब हम उनको इस प्रकार से करते हैं। ये 4 टाइप समझे। अब हमारे पास अगले 4 टाइप और हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। देखो इस भिन्नों को जोड़ना है 2/5 + 7/5। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इस भिन्न में 2/5 + 7/5, जिसमें अगर इसमें हर देखोगे तो देखो यहाँ पर भी हर सेम है 5, और यहाँ पर भी सेम है। जब हर सेम होते हैं तब सबसे आसान तरीका आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। जब हर समान हो तो क्या करो, आपको लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे 5, जो कि यहाँ पर भी हर में अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हर हमने एक बार लिखा 5, तो ऊपर क्या है देखो 2। यहाँ पर हमको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हर दोनों जगह सेम है। तो हमने हर एक बार लिखा जो कि दोनों जगह सेम है, इसलिए 5 लिखा, और अंश में क्या है 2 प्लस लगाया, और यहाँ पर अंश में है 7। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दोनों हर समान है। अब बस फाइनल स्टेप क्या है, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 बचेगा बटे में 5। बस यही हमारा राइट आंसर है। इसको हम दशमलव तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना सीख रहे हैं कि भिन्नों को किस तरीके से सरल करते हैं। अगले वीडियो में हम इन भिन्नों को दशमलव तक ले जाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8/3 लिखा है माइनस 5/3 लिखा है। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी हर में 3 है। जब हर दोनों जगह समान होता है तो हम क्या करेंगे, हर को एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर 3 है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर होगा 5। अब देखो 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 3/3। इसको आप और सरल कर सकते हो, 3 से 3 एक बार कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/8, बोले तो इसका आंसर रहेगा 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करा। अब देखो हम दो क्वेश्चन इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर कोई संख्या दी रहेगी, पूर्ण संख्या रहेगी, और अगर कोई पूर्ण संख्या हो तो समझना उसके बटे में 1 रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 / 2/4, इसका मतलब यह हुआ कि इसके बटे में भी 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि 1 ही है। अब इसको सोल्व करने से पहले ये चेक कर लो कि कोई सी संख्या अंश बटे हर, मतलब कि कोई भिन्न अपने आप में कट तो नहीं रही है। अलग अलग सेक्टर में नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अगर गुणा का चिन्ह रहता है तो यहाँ से कोई भी संख्या कटने वाली होती तो काट देते, अगर नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे। लेकिन धन और माइनस के चिन्ह में अंश बटे हर को ही देख सकते हैं। अगर कोई कट रही है तो हम उसको सरल कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप 2 की टेबल से इसको 1 बार और 2 की टेबल से इसको 2 बार काटेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 लिखा प्लस यहाँ पर आया 1/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हर में अलग अलग संख्याएं हैं, तो आप इसका एलसीएम ले लो। कैसा लोगे, 1 × 2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर 1 तो अवेलेबल है लेकिन हमको 2 चाहिए, तो 2 का गुणा यहाँ पर करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश में 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो क्या घट रहा है, 1, मतलब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3/2, इट इज़ द राइट आंसर। इसका एक और तरीका होता है, उसको मैं इस सवाल में समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो 14/5 लिखा है माइनस 2 लिखा है, मतलब इसके बटे में क्या होना चाहिए, इसके बटे में 1 होना चाहिए, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 14/5 माइनस
2/8 इस प्रकार से लिखा है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5 × 1 मतलब 5 हुआ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होती है, मतलब वो भी यही तरीका है, लेकिन हम उसको इस तरीके से इस सवाल में हम कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। 5 × 1 लिखा है मतलब 5 × 1 = 5, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस संख्या का गुणा ऊपर कर दो तो 14 × 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या का गुणा इस तरफ कर लो तो 2 × 5, बस इसी को आप आगे सरल कर लो तो क्या हो जाएगा, 14 − 10/5। आंसर क्या हो जाएगा, 14 में से 10 गए, बचे 4/5, और 4/5 इट इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हम भिन्नों को सरल कर सकते हैं। आई होप आपको ये लगभग 8 तरीके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम भिन्नों को दशमलव में बदलने के तरीके को समझेंगे। ऑल द बेस्ट।